नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ, जिसको देख करके आपको मजा आ जाएगा। बिकॉज मैंने जब इसके अमेजन पे रिव्यूज देखे थे तो मुझे लगा हाँ ठीक है, हो सकता है पेड रिव्यूज हो या नॉर्मल रिव्यूज दिए हो। बट जब ये मेरे पास आया और इसको मैंने 3 दिन यूज किया, आई वॉज लाइक विक्की एंड हम दोनों, मतलब मेरा हस्बैंड और मैं, हम दोनों इसको बहुत ज्यादा मतलब पसंद करते हैं इस प्रोडक्ट को। तो यस, विदाउट फर्दर डू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। वीडियो कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेती हूँ। अगर आपको डायरेक्टली जिस चीज के बारे में बात कर रही हूँ उस पे जंप करना है तो यहाँ पे टाइम स्पैम दिए हुए हैं इसके रिव्यू के बारे में, मेरा रिव्यू क्या है इस प्रोडक्ट को लेकर के, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। तो आपको जो पर्टिकुलर चीज देखनी है आप इस टाइम स्पैम पे जंप कर सकते हैं। तो हाँ, जो ऑडियंस मेरी चटरपटर सुनना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये है। तो बेसिकली आई एम श्योर लॉकडाउन के टाइम पे काफी सारे जो लोग हैं वो घर से काम कर रहे थे, और अब तो खैर अनलॉक हो चुका है बट अभी भी काफी सारे लोग घर से काम कर रहे हैं। बच्चे जो हैं उन सबकी ऑनलाइन क्लासेस चलना स्टार्ट हो चुकी हैं। आई एम श्योर काफी सारी वर्किंग लेडीज होंगी जो घर से काम कर रही हैं अभी भी। तो आप लोगों के घर पे टेबल आपको चाहिए होगा, एक पोर्टेबल सा टेबल जो सस्ता भी हो, जो बहुत सस्ता हो, जो कॉम्पैक्ट हो और जो पोर्टेबल टाइप का हो, मतलब आप उसको कहीं भी उठा के रख दें और उसको फोल्ड कर दें। इस तरह का टेबल मुझे आपका नहीं पता बट मुझे रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि पहले मेरे घर में, जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा मेरे घर में एक मेरा वर्क स्पेस हुआ करता था यहाँ पे कॉर्नर पे, जिसको मैंने निकाल दिया इस चक्कर में कि चलो एक टेबल तो है हमारे पास, उसमें मैं काम कर लिया करूँगी। बट लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो उसको एक डेडिकेटेड स्पेस चाहिए होता है, और मैं भी बिना डेडिकेटेड स्पेस के काम नहीं कर पाती। मैंने बहुत ट्राई किया 2-3 महीने बट मुझे बैक प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी। देन हम सर्च कर रहे थे कुछ ऐसे टेबल की जो सस्ता हो, जिसको मतलब जो फोल्डिंग भी हो, अगर हमको नहीं यूज करना हो तो वो कहीं कोने में रखा जाए, किसी को दिखे ना इस टाइप का टेबल हो। एंड फाइनली आई फाउंड समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, एक पोर्टेबल सा कॉम्पैक्ट सा टेबल है जिसको जो सिर्फ मैंने 2499 रुपीज में परचेस किया था। ये सिर्फ 4 दिन के अंदर अंदर मुझे डिलीवर हो गया था मेरे घर पे, और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह का है। सो दिस इज द टेबल, ये इस तरह से मेरे पास आया था, मतलब ये ऐसे पैक्ड कंडीशन में मेरे पास आया था। अगर आपको यूज नहीं करना है तो आप एज इट इज इसको कहीं पर भी रख सकते हो, इवन आप अपने बेड बॉक्स में रख सकते हो। बहुत कॉम्पैक्ट है और बहुत हल्का है, कोई भी इसको आराम से रख सकता है कहीं पर भी। ये ओपन होता है इस तरह से, लाइक दिस, ये यहाँ से ऐसे ओपन होता है, यहाँ आपको इसको ऐसे रखना होता है like so, and और यहाँ पे आपका टेबल रेडी है कि 2500 रुपए में इतना अमेजिंग क्वालिटी का टेबल, जो सिर्फ 30 सेकेंड्स में, यहाँ पर मैग्नेट्स लगे हुए हैं, मैं आपको ध्यान से दिखाऊंगी अभी। तो इस पूरे टेबल में मैग्नेट्स लगे हुए हैं जिसकी हेल्प से ये बहुत फटाफट से इसको आप असेंबल कर सकते हो। आपको यूज नहीं करना है तो आप इसको ओपन करके कहीं पर भी साइड में रख सकते हो। बच्चों के लिए बहुत परफेक्ट है, यहाँ पर एक स्पेस दिया हुआ है, अपनी फाइल्स बुक्स वट एवर जो भी आपको रखना हो वो रख सकते हो, एंड काफी एक अच्छी साइज में है। ये मैग्नेट्स हैं, ये मैग्नेट्स दिए हुए हैं जिसकी हेल्प से यहाँ पर ऐसे स्टिक हो जाता है। ये एक मैग्नेट दिया हुआ है एंड ये एक मैग्नेट दिया हुआ है। अगर आप बड़े हैं तो आई एम श्योर आपके पैर इस पे अटकेंगे, तो मैं यूजुअली जब बैठती हूँ तो इसको मैं डायरेक्टली पूरा नीचे फ्लिप कर देती हूँ। ये देखिए, ये नीचे का जो कंपार्टमेंट है वो फटाक से नीचे हो जाता है, एंड अगर आप बड़े हैं तो आप इस तरह से यूज करिए। मैं यूजुअली इसी तरह से यूज करती हूँ क्योंकि मेरे पैर नहीं तो अटकते हैं उसमें, एंड ये हमारा रेडी है। टेबल पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया है, बहुत हैंडी है और बहुत सस्ता है, और मैंने ये 2 वेरिएंट से लिया था। मुझे लगा था जब तक मुझे इसको यूज करना होगा 2-3 साल तब तक मैं इसको यूज करूंगी, और मुझे जब यूज नहीं करना होगा तो मैं सब कुछ DIY कर लूंगी, बिकॉज आई लव डूइंग DIY। तो कुछ ना कुछ हम इसका जुगाड़ कर ही लेंगे, इसका पैसा वसूल पूरा कर लेंगे। तो प्लाईवुड का है, आप इससे कोई यही एक्सपेक्ट मत करिए कि इसकी वुड क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। डेफिनेटली 2500 में आपका पर्पज सॉल्व हो रहा है, जिस पर्पज के लिए आपको ये चाहिए। बच्चे अगर आपके घर में, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। आपको एक्सपेंसिव हैवी टेबल लेने से अच्छा आप इस तरह का ले सकते हैं अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो। प्रोज एंड कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि मैग्नेट एक टाइम के बाद थोड़ा सा लूज हो सकता है, क्योंकि ये पूरा मैग्नेट बेस्ड है, तो मैग्नेट इसके लूज हो सकते हैं, तब ये शायद हो सकता है कि इसकी जो स्टर्डीनेस है वो शायद थोड़ी लूज हो जाए।
बट उसका सोल्यूशन ये है कि जब इसके मैग्नेट लूज हो जाए तो आप एक आराम से छोटी सी जो नेल होती है वो आप ठोक करके इसको स्टर्डी बना सकते हैं उसी तरह का, बट हाँ तब ये फोल्डिंग का नहीं रहेगा। केस अगर आपका जो मैग्नेट है वो अचानक से सपोज लूज हो गया है और आपका यहाँ पे हैवी डेस्कटॉप रखा हुआ है, तो अगर ये खुल जाता है तो भी आपका जो लैपटॉप या आपका कंप्यूटर है वो एकदम से गिरेगा नहीं, क्योंकि ये एक यहाँ तक का बेस क्रिएट करके रखता है। मेरा ये वाला जो मैग्नेट है ये थोड़ा सा लूज है, बट नेवर माइंड, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच, मुझे काफ़ी पसंद आया है। तो हमारा एक ये कंसर्न था कि अगर सपोज ये गलती से पैर मेरा लग के ओपन हो जाता है तो मेरा लैपटॉप गिरेगा कि नहीं गिरेगा। इट्स क्वाइट स्टर्डी, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। इसका सिर्फ एक कॉन मुझे लगता है, वो ये है कि इसकी हाइट थोड़ी सी छोटी है। अगर आप ज़्यादा हाइटेड हैं तो शायद आपको लग सकता है कि इसकी हाइट छोटी है, बट वो आप बहुत आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ लैपटॉप का लिए आपको जैसे ये शू बॉक्स होता है उसका कुछ बॉक्स बना करके आप अपना लैपटॉप थोड़ा ऊपर रख सकते हैं, या आप नीचे अलग से एक वो आते हैं लेग्स आते हैं, छोटे छोटे लेग्स होते हैं, आप चाहें तो वो लगा के इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। दैट्स इट, दैट इज द ओनली कॉन, और उसका भी सोल्यूशन है। मतलब कोई भी कॉन का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि उसका सोल्यूशन ना, उसका भी सोल्यूशन है। तो आई हाईली रेकमेंड यू दिस प्रोडक्ट। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। मेरे को ये जब से आया है मैं इसी पे काम कर रही हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है। सो आई होप ये शॉर्ट एंड स्वीट रिव्यू आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।